हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष। आज हम आए प्रॉफिट एंड लॉस का नया पार्ट लेके, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी बढ़िया लेवल के हैं और काफ़ी बार एग्ज़ामों में आए हुए भी हैं। एसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं, जीडी कांस्टेबल वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार देखिए इनको कैसे हैं ये। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, जिसके कारण एक गृहिणी 100 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाती है। चीनी का नया तथा पुराना भाव बताओ। देखो दोस्तों, चीनी का मूल्य जो है वो 20% बढ़ा दिया जाता है। 20% का दोस्तों मतलब क्या होता है? दोस्तों इसमें कह रहा था कि अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर जाती है तो 100 रुपये में 5 किलो कम खरीद पाती है एक गृहिणी चीनी को, तो नया और पुराना भाव बताना है। दोस्तों एक इसकी शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद करेंगे हम बेस इसका, उसके बाद समझेंगे हम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ इसकी, और ट्रिक क्या है देखिए। अगर आपको 20% बढ़ाना है, घटाना है, जोड़ना है या घटाना है, जो भी है, देखिए मैं बताता हूँ इसकी बात। ये कह रहा है कि 20% लाभ, अगर ये कहे 20% हानि, अगर ये कहे 30% लाभ, अगर ये कहे 50% लाभ। यहाँ सुनिए, तुम जो भी कहे उसे ऊपर लिख लो, घटाना बढ़ाना नहीं है। अगर यहाँ कहता 30% हानि तो 30 लिख लेते सीधा, घटाना बढ़ाना नहीं है। 20% लाभ को हम कैसे लिखते हैं देखिए। 20% लाभ, अगर मैं सीधा यहाँ ना लिखूँ तो 20/100 कर सकता हूँ, वो एक अलग बात है कि मैं इसे 1/5 लिख लूँ, लेकिन मैंने लिख लिया 20/100। आप इसे लिख सकते हैं 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीधा लिख लिया 20/100, 20% का लाभ। 100 में कितनी कम खरीद पा रही है? 5 किलो। घटा लो, नया भाव आ जाएगा। इसे काट पीट लो, आपका नया भाव आ जाएगा। कैसे? देखो 100 से 100 कैंसिल, और इससे ये 4 बार कैंसिल। 4 रुपये प्रति केजी नया भाव आंसर होगा दोस्तों इसका, नया भाव। आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट हो ना, और जितने भी सेकंड में आए, आप उसको निकाल के देख लेना और इससे निकाल के देख लेना, आंसर सेम आएगा तुम्हारा, चाहे 50 सेकंड में आए, चाहे 20 सेकंड में आए। इसको हम 2 सेकंड 3 सेकंड में करा देंगे, देखो कैसे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप ये देखेंगे 20% लाभ हो रहा है, 20% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, तो 20/100 लिख लो। कितने में? 100 में 5, 100 में 5 यहाँ लिख लो। 100 से 100, 4। नया भाव पूछा है, 4 रुपये प्रति किलो आ गई। अगर पुराना भाव पूछे तो अभी बताएंगे। अब देखो हम पुराना भाव कैसे निकालेंगे। नया भाव आया 4 4 आएगा, 120 की वृद्धि 100 पे, यहां पे कोई भाव होगा, ठीक है दोस्तों, यहां पे कोई भाव रहा होगा। 120% मतलब 20% की मैं वृद्धि कर देता हूँ इसमें, तो 4 आ जाता है। यही तो हमारी इक्वेशन बनेगी। अब देखो इसको मैं सीधा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 4 × 100/120 लिख सकता हूँ, या ना। देखो 0 से 0 कटा, 4 से 3 बार कटेगा, और ये आ जाएगा 10/3। यानी कि 10/3 का मतलब है कि 3 सही 1/3% रुपये प्रति केजी। देखो दोस्तों, ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। आपसे बोल रहा है कि 20% लाभ, तो 20/100, 100 में 5 केजी खरीद रहा है, कम हो ज़्यादा हो कुछ नहीं है, आपको ये भी लाभ हो आनी हो कुछ नहीं है, जो भी बोले उसे 20% 20/100 कर लो, 30% बोले 30/100 कर लो, 40% हानि बोलता है तो 40/100, और 40% लाभ बोलता है तो भी 40/100, जो भी बोले। 20% बोला तो 20/100, 100 में 5 किलो बोला तो 100 पे 5 कट गया, 4 आंसर आ गया, 4। ये आता है हमेशा नया भाव, ये ध्यान रखना कि ये जो हमारी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम, इससे नया भाव आता है। अब मैं पुराने पे जाता हूँ, पुराना कैसे आएगा पुराना। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, एक मतलब 20% की बढ़ोतरी के बाद हमारा 4 मूल्य आया है। अगर मैं यहाँ पे कोई भाव रहा होगा चीनी का, उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दूँ तो मेरा 4 आया, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पक्षांतर करके, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे देख लूँ इसको, देखो 4 100 ऊपर आ गया,
120 नीचे पहुंच गया। अगर मैं इसको ना लिख के सीधा ही इसको लिख दूं, अगर मेरी प्रैक्टिस होगी तो ही तो लिख सकता हूं, वरना फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। तो आप प्रैक्टिस करो और ऐसे बनाओ। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कॉन्सेप्ट जानने के लिए। देखो दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट समझ तो लो, लेकिन आपको ट्रिक्स काम आनी है, और ट्रिक आपकी बहुत अच्छी है, और हमेशा ट्रिक से ही करना है इसको, काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा। बेस देख लेते हैं। देखो 20% की बढ़ोतरी हो रही है, 20% का मतलब 1/5। सीपी में बोलूँ कि 5 रहा होगा तो अब 6 हो गया है सीपी। अब देखो ध्यान से सुनो, क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? अगर मैं बोलूँ कि 5 से बढ़कर 6 भाव हो गया है तो भाई क्वांटिटी तो कम आएगी। मैं बोलूँ कि 5 से बढ़कर 10 भाव हो गया, 5 रुपये में 1 किलो चीनी आती थी, ठीक है, 5 रुपये में 1 किलो चीनी आती थी, अब भाव हो गया भाई 10 रुपये किलो, बढ़ गया है भाव। अब बोलूँ कि ना तो मुझे तो 5 रुपये ही खर्च करने, तो क्वांटिटी कम नहीं करनी पड़ेगी, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, कितनी आएगी, अब आधा किलो आएगी, पहले 1 किलो आती थी वहीं आधा किलो। तो मैं इस हिसाब से आपकी क्वांटिटी की बात करूँ मैं यहाँ, देखो क्वांटिटी की मैं बात करूं तो पहले जहां 6 आ रही होगी वहां 5 आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पहले 6 खरीद रहा हूं तो अब 5 खरीदूंगा, इनमें देखना अंतर कितने का है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपये में 5 किलो कम खरीदता है, हम तो भैया 1 कम खरीद रहे हैं, तुम 5 कम खरीद रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, हम 1 के बराबर 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बराबर कितने लिखोगे, 30, यानी कि 30 केजी खरीद रहे हो, अब हम खरीद रहे हैं 25 केजी, कोई दिक्कत है भाई यहाँ से? 6 में हमने 5 की करी तो 30 आ गया, 5 में 5 की करी तो 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 100 में जहाँ पहले 30 खरीद रहे थे वहीं 100 में अब 25 खरीद रहे हैं। देखो ये पुराना भाव है भाई, पुराना ले रहे हैं, ये अब है वर्तमान में, ये पुराना भाव है। अगर मैं पुराने भाव की बात करूँ तो 100 रुपये की बात कर रहा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये आपको पता है कहाँ से मानते हैं, माना कुछ नहीं है, 100 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 रुपये में 5 किलो, 5 किलो बढ़ रही है, देखो अब तो क्वेश्चन सही हो गया हमारा। जहाँ पहले 100 में 30 आती थी तो 100 में 30 आती है, 10/3 आया। अगर मैं नए भाव की बात करूँ तो 100 में 25 आ रही है, ये रही 25 नया भाव, तो यहाँ आ जाएगी 100 में 25 आ रही है तो कितना आया, 4 आ गया, तो बिल्कुल सेम आएगा। आप इससे करें, बेस से, कॉन्सेप्ट से, या फिर ट्रिक से करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेस भी समझा दिया है मैंने और ट्रिक भी समझा दी है, वैसे अच्छा यही होगा कि आप ट्रिक से करें, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक है नहीं जो याद नहीं होगी, ज़्यादा कोई लंबी ट्रिक नहीं है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। देखो अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, समझ में आएगा आपके इसका। देखो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि टमाटर के मूल्य में 15% वृद्धि की जाती है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि 15% वृद्धि कर दे या घटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15% कह रहा है तो 15/100 लिख लो, बिना देखे सोचे समझे, कुछ नहीं करना आपको, 15/100 लिख लो। इसके बाद वो बोल रहा है जिसके कारण एक गृहिणी को 460 में 6 केजी टमाटर कम खरीद पाती है। 460 में कितना, 460 में कितना खरीद रही है दोस्तों, वो 460 में 6 केजी, ठीक है, ये कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, 15 बढ़ा 460 में 6, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लो, देखो 10 से ये 0 चली जाएगी, ठीक है, देखो 5 से 3 बार और 5 से 2 बार और 2 से ये जाएगा 23 बार, ठीक है, और 3 से जाएगा 2 बार, 23 रुपये में 2 केजी, ये है नया भाव, 30 रुपये में 2 किलो नया भाव। तो अगर प्रति किलो भाव पूछ रहा है आपका तो 30 में 2 किलो आ रही है, तो प्रति किलो आप बता दोगे कि 11 × 2 = 22 होते हैं और आधा और लगा देंगे, यानी कि 11 सही 1/2 रुपये प्रति केजी हो गया हमारा न्यू, 11.5 नया भाव हो गया। अब देखो 11.5 को अभी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको लिखेंगे हम 23/2, हमारा आया होगा कब,
जब हमारा 115 यहाँ पे बड़ा होगा कोई मूल्य और यहाँ पे कोई मूल्य होगा, ये मूल्य 15 बड़ा होगा तो 23/2 आ गया। अब मैं इसको सीधा यही नहीं लिख सकता कि 23/2 यहाँ पे लिख लूँ और 100 यहाँ पे नहीं ऊपर आ जाएगा और ये 115 हो जाएगा। 23 से 5 बार जाएगा और 5 से गया 20 बार और ये 20 से गया 10 बार। 10 प्रति केजी, 10 रुपये प्रति केजी। तो देखो पुराना मूल्य 10 और बढ़ के 11.5 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बोला कि जितना बढ़े घटे कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 बढ़ा रहे हैं तो 15/100, 460 में 6 केजी, काट पीट के 23 में 2 किलो आया, यानी कि 11.5 रुपये प्रति किलो नया भाव हो गया। इसके बाद में वो बोल रहा है कि पुराना भाव भी बता दो, अगर पूछे तो बता देना है आपको कि ऐसे ऐसे कर लेना है कि अगर यहाँ पे कोई संख्या है, कोई वैल्यू है, कोई उसका भाव है, उसमें 15% की मैं वृद्धि कर दूं, वृद्धि कर दी 15 में 115 और इतना आ जाता है। आपको अगर ये प्रैक्टिस होगी तो आप इसको ना लिख के ना सीधा इसको लिखेंगे कि 23/2 × 100/115 = 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका ओल्ड यानी कि पुराना भाव, ठीक है, ओल्ड प्राइस। और इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट से कर लो। देखो कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा देता हूँ। 15% बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। सीपी की मैं बात करूं तो 20 था जहां पे, वहां पे 23 हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्वांटिटी की बात करूं तो पहले 23 आती होगी और अब 20 हो गई है। भाई जिस हिसाब से तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है, तुम्हारा क्रय मूल्य जिस हिसाब से तुम ला रहे हो वो चीज़ बढ़ रही है, उसी हिसाब से कम होगी। मान लो मेरी कोई 5 से 6 हो गई या 10 से 15 हो गई, तो उसी हिसाब से तो क्वांटिटी कम लाऊंगा मैं, भाई 15 से 10 लाऊंगा। अब की बार देखो कितने का अंतर आया भाई, 3 का। क्वेश्चन में तो कह रहा भाई 6 का है, 460 में 6 केजी कम खरीद रहा है तो 6 का है। अब हमारे 1 के बराबर 2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ पूछ रहा है तो पूछ लेने दो। 46 इसकी वैल्यू हो गई, 20 दूनी 40 इसकी हो गई। पहले 46 खरीदता था तो अब 40 खरीद रहा है, क्वांटिटी कम हो गई भाई 6 की। सवाल सही हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, 460 दे रखा है अब की बार उसने। अगर ओल्ड प्राइस वो पूछता है तो देखो 460 में पहले 46 आते थे, 46। अब देखो 46 से कटा 10 बार, 10 आ गया, अभी हमने 10 निकाला था। अब न्यू प्राइस निकाल लेते हैं हम। न्यू कैसे निकालेंगे, 460 की 40 आती थी भाई, पहले 460 की 46 आती थी, अब 460 की 40 हो गई है। 0 से 0 काटोगे तो 23/2 ही आएगा। आप या तो इस टेबल को बना लो अगर ये अच्छा लग रहा हो तो, और ना तो ट्रिक को कर लो, कोई दिक्कत ना, जो मर्जी हो वो कर लो। दोस्तों ये टाइप समझ में आया होगा आपकी, में काफ़ी अच्छे मैंने दो फॉर्मूले करूँ, मैंने दो ट्रिक बताई आपको, एक बेस से और एक ट्रिक वाइज। आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, काफ़ी अच्छा टाइप है ये, देख लेते हैं एक बार। देखो पहला क्वेश्चन इसमें ये कहता है कि एक व्यक्ति, एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है। देखो दोस्तों इसको भी हम बहुत अच्छी ट्रिक से कराएंगे, कॉन्सेप्ट से कराएंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। देखो एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। देखो 10% लाभ पर कब बेचेगा, सीपी मान लूँ मैं 100, वो 10% लाभ पर बेच रहा है तो 110 की बेच देगा भाई, ठीक है, 110 की 10 जोड़ दिए। इसके बाद वो बोल रहा है कि वो उसे 3 रुपये अधिक में बेचता और 25%, यदि वो इसे 10% कम में खरीदता। देखो 10% कब खरीद के कम लाएगा, देखो यहाँ सीपी हो रहा है और यहाँ पे एसपी हो रहा है, ठीक है ना। अब 10% कब होता, 10% घटा दूँ मैं इसमें से, 10% कम में खरीदता तो 100 का 10% 90 हो गया, 90 में खरीदता। और वो बोल रहा है कि इसे 3 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि यहाँ 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितने का, 25% का लाभ होता। दोस्तों मैं इसे 90 का ला रहा हूँ, 25% का। अब दोस्तों वो 25% का लाभ ले रहा है, 25% का मतलब होता है, देखो दोस्तों 25% का मतलब होता है 25/100, और इसका मतलब हो गया कि 1/4। अगर मैं 1/4 पे 1 का लाभ ले रहा हूँ तो 5/4 हो गया ना, ये देखो ये कटेगा 22.5 बार। अब 22.5 बार कटेगा ये, तो 22.5 यानी कि 22.5 × 5 करोगे हम,
तो 22 पंजे 110 और 2 112.5 आएगा, यानी कि 112.5 में वो बेचे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ तक तुमने ये कर लिया है। अब देखो एक बार फिर से, 100 रुपये की लाया वो, 10% लाभ पर वो उसने बेच दिया। वो कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीद ले और इसे 3 रुपये अधिक में बेच दे तो उसे 25% का लाभ होता। अब दोस्तों 90 का 25% आता है 22.5, 90 का 25% आता है 22.5 और 25% को 90 में जोड़ोगे तो आएगा 112.5। अब हमारे हिसाब से कितना है, 2.5, यानी कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन में बढ़ोतरी हो रही है 2.5 की, लेकिन वो बोल रहा है कि 2.5 नहीं, तीन बढ़ा के बेचे, तो हमारे 2.5 क्वेश्चन के 3 के बराबर है। और मैं बोलूं तो हमारा 1 क्वेश्चन के 3/2.5 के बराबर होगा। उसमें पूछ रहा है कि सीपी बताओ यानी कि क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100, तो 100 का मतलब हो जाएगा 3/2.5 × 100। अगर मैं पॉइंट को यहाँ से हटाऊँ तो 0 बढ़ेगी, और 25 से काटूँ तो देखो 4 और 0 की 0, और 4 3 12 120 हो गया। ये क्रय मूल्य आएगा दोस्तों। एक बार देखो शॉर्ट तरीके से समझते हैं इसे। देखो 100 रुपये मैंने माना था, 110 की वो बेच रहा है 10% बढ़ा के, वो बोल रहा है 10% कम में लाता और इस पर 3 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी कि 112.5 में बेचता। हमारे हिसाब से 2.5 की बढ़ी, क्वेश्चन के हिसाब से 3, तो हमारा 100 क्वेश्चन के हिसाब से, हम बोलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से 3/2.5 × 100 = 120। ठीक है दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। देखो एक बार, एक व्यक्ति अपनी वस्तु 15% हानि पर बेचता है। देखो 15% हानि पर बेचने का क्या मतलब है कि अगर वो 100 की ला रहा है तो वो 85 की बेचेगा। ठीक है, इसके बाद वो बोलता है कि अगर वो इसे 20% कम में खरीदे, ठीक है यहीं पे कर लेते हैं हम, 20% कम का मतलब है कि 80, 20 घटा दो इसमें से। इसके बाद 20% कम में खरीदे तथा 76 रुपये अधिक में बेचे, यानी कि वो कह रहा है कि 76 रुपये अधिक में बेचे, ठीक है अलग लिख लिया हमने ये, तो उसे 30% का लाभ हो जाता है। दोस्तों 30% का लाभ कैसे होगा, मैं 30% को यहाँ पे लिख लूँ 30/100, 0 से 0 काट दूँ 3/10 हो गया, 1 0 से 1 काट दूँ 8 3 24, 80 में 24 जोड़ दूँ, 80 में 24 जोड़ूंगा तो आ गया 104। मेरे हिसाब से बढ़ रहा है भैया ये 19 रुपये। देखो 85 और 104 का अंतर 19, मेरे हिसाब से 19 बढ़ा लेकिन क्वेश्चन में दे दिया 76, यानी कि 19 का मतलब दे दिया 76, 1 का मतलब दे दिया 4। अगर सीपी पूछ रहा है, हमारा आ रहा है 100, मल्टीपल पे हो जाएगा 4 के पे, 100 सीपी 4 के मल्टीपल पे करोगे तो आंसर आएगा 400। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। अगर हमसे एसपी पूछे कि बताइए पुराना एसपी क्या है, तो 85, तो 85 × 4 कर देते, दोस्तों हमारा आ गया 1/4, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सारे आंसर, जितना भी जो कुछ पूछेगा, जितना भी हमने निकाला है, बताओ उसका घटा के मूल्य कितना था, सीपी घटे मतलब उसका 20% कम करने के बाद सीपी कितना था, तो 80 की वैल्यू निकाल देते, 4 में मल्टीप्लाई कर देते। अब हमसे कुछ भी पूछे तो हमें 4 के मल्टीप्लाई पे कर देना है। दोस्तों इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन, एक बार इसको देख लेते हैं, आपकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हम इसीलिए एक टाइप के 2 सवाल देते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। देखो दोस्तों 10% लाभ का मतलब है कि सीपी 100 110 में बेच दिया होगा उसने, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ कि यदि वह 4% कम में खरीदता, दोस्तों 4% कम का मतलब है कि वो 96 में खरीदता, ठीक है, और वो उसे 6 रुपये अधिक में बेचता, चलो मैं यहाँ 6 लिख लेता हूँ अलग, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 18 सही, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ एक बार, देखो 18 सही 3/4 का लाभ होता, इतने परसेंट का। देखो दोस्तों
चार 18 चौका 72 और 3 75, 75 बटे 4 आए, और परसेंटेज को हटाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 75 से कटा 3 और ये कटा 4 बार, यानी कि 3 बटे 16, और 3 बटे 16 आया ये, यानी कि हमारे 18 से ही 3 बटे 4 की वैल्यू 3 बटे 16, और हम 3 बटे 16 को 96, यानी कि 96 का 3 बटे 16 निकालें तो 16 छिक्के 96 और 3 छिंग 18 आएगा, यानी कि 96 का 3 बटे 16 मैं निकालूँ तो 18 आया, और वो बोल रहा है कि हम इसमें 18 जोड़ दें, इतने का लाभ हो जाता है तो लाभ तो जोड़ के ही लिखा जाएगा ना, इसमें 18 जोड़ोगे तो 114 हो गया। अब वो बोल रहा है कि हमारे हिसाब से 4 बढ़े हैं, लेकिन 6 बढ़े हैं भैया, 6 क्वेश्चन में 6 दे रखा है, एक बार ध्यान से इधर और देख लो, एक बार ध्यान से इधर और देख लो, 6 लिख रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से 4, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, 6 चलेंगे, यानी कि 4 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 3 बटे 2, 3 बटे 2 कैसे लिख दिया भाई, 6 का 3 2 से काट दिए ये मैंने, यहाँ 2 आया होगा, यहाँ 3 आया होगा, 3 बटे 2 लिख दिए। अब हमारा वो कुछ भी पूछे, इसमें एस पी पूछे, सी पी पूछे, पुराना एस पी पूछे, नया एस पी पूछे, कुछ भी पूछ ले, तो उसमें निकाल देना है हमें, जैसे हमारा पूछे पुराना सी पी, तो 100 की वैल्यू हम कर देंगे 3 बटे 2 के मल्टीपल पे, कैसे 50 हो गया, और 50 दिया 150 आ गया। हमसे पूछे कि एस पी बताओ पुराना वाला, एस पी पुराना वाला 110 को कर देंगे 3 बटे 2 के पे, और ये आ जाएगा 55, और 55 दिया 165, 165 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर लेंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये, तो दोस्तों देखते रहिएगा आप वीडियो, हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। थैंक यू।